हाय फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और कच्चे आलू की बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको आप ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हो, बहुत कम टाइम पे बन के रेडी हो जाती है और बहुत कम ऑयल में ये रेसिपी बनती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है एक कटोरी सूजी। सूजी में मैं डाल दूँगी एक गिलास पानी। पानी डाल के मैं थोड़ी देर इसको ढक के ऐसे ही रख दूँगी। प्लीज फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सूजी को मैं ढक के रख दूँगी। अब मैंने लिया है यहाँ पे मिक्सर जार। मिक्सर जार में मैं डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ का आलू, मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। यह है एक मीडियम साइज़ का प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, इनको मिक्सर जार में पीस लेंगे। मिक्सर जार में सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है। अब मैं सूजी का जो ढक्कन हटा लूँगी, इसमें से जो पानी है उसको मैं निकाल लूँगी। पानी को मैंने इसमें से निकाल लिया है सूजी में से। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले, ये है अजवाइन और जीरा, थोड़ी सी सौंफ। सौंफ डाल के इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। कुटी हुई लाल मिर्ची, आप इसके जगह पर लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और नमक। सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं इसमें डालूंगी जो पेस्ट रेडी किया था आलू प्याज का, इसको डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, आप ज़रूर बनाना, अपने घर में बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा तेल डालूंगी, एक चम्मच तेल डाल के ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें एक गिलास पानी, क्योंकि इसमें सूजी है, सूजी काफ़ी ज़्यादा फूलती है। आप सूजी की जगह पर चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन। अब मैं इसमें डाल दूंगी पेस्ट जो रेडी किया था। गैस की आंच हम लो रखेंगे। गैस की आंच लो रखने के बाद इसको घुमाते रहेंगे जब तक इसका एक डो टाइप का ना बन जाए, घुमाते घुमाते। ये डो टाइप का बनने लग गया है, बन गया है। 3 से 4 मिनट में ये बन जाता है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। ये अच्छे से अब ठंडा हो गया है। अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा हाथों में तेल। हाथों में तेल लगा के इसके छोटे से बॉल बना लेने हैं, बॉल टाइप के, नींबू साइज के इसके बॉल बनाने हैं। छोटा सा बॉल बना के इसको हल्का सा दबा लेना है हाथों से। जैसे ये बन के रेडी हो गया है, ऐसे मैं सारे बना लूँगी। पहले छोटा सा बॉल बनाना है हाथों में, घुमा के फिर उसको छोटा सा दबा लेना है। सारे मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, देखो काफ़ी अच्छे बने हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन। पैन में मैंने तेल डाल दिया है, तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। अब इसमें डाल लूँगी, मैंने इसमें थोड़े से तिल भी डाले हैं ऊपर से, अगर आपके पास हैं तो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, फिर ही इनको इसमें डालना है, क्योंकि सूजी को गर्म तेल में ही सूजी अच्छे से पकती है। इनका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है। इनको मीडियम आंच में पकाना है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सूजी है, सूजी को पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं इनको पलट लूँगी, देखो इसका काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। दोनों साइड से इनको गोल्डन ब्राउन होने देने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको आप किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ, रायते के साथ खा सकते हो।
दोनों साइड से अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। बहुत कम तेल में ही रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अब निकाल लूँगी सबको। ये अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसको चटनी, सॉस, रायता किसी के भी साथ में आप खा सकते हो। प्लीज़ फ्रेंड, आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखो मैंने सबको निकाल लिया है। अब मैं दिखाऊंगी ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं आपको। देखो आवाज़ आ रही होगी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट लगते हैं।